बच्चों हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 3 आव्यूह पढ़ रहे हैं, जिसे इंग्लिश में मैट्रिक्स कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, आज हम सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हम उस पर विचार करते हैं। देखिए, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए, वो सममित मैट्रिक्स कहलाएगा यदि उसका परिवर्त मैट्रिक्स उसके स्वयं के बराबर आ जाए। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसका ट्रांसपोज उस स्वयं के बराबर है, ट्रांसपोज मतलब ए डैस बोल दीजिए या उसका ट्रांसपोज बोल दीजिए, अगर ऐसा प्रतीत होता है तो हम कहेंगे ए एक सममित मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है। उदाहरण लेते हैं, एक क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक मैट्रिक्स मैंने लिया और 2x2 का वर्ग मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ए का वर्ग मैट्रिक्स होना आवश्यक है, नहीं तो उसका ट्रांसपोज उसके बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए की कोटि बदल जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए मैंने 1, 2, 2 और 3 एक मैट्रिक्स लिया और इसका ट्रांसपोज निकाला ए ट्रांसपोज, तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाना है, तो पहली पंक्ति 1 और 2 से बनी है, 1 और 2। दूसरी पंक्ति 2 और 3 से बनी है, इसको दूसरा स्तंभ बनाना है, 2 और 3। देखा बच्चों, मैट्रिक्स वही का वही आपके सामने है, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3। जब आप इसकी पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट करते हैं तो मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो ए के बराबर ही बना रहता है। ऐसा मैट्रिक्स ए क्या कहलाएगा? सममित मैट्रिक्स कहलाएगा। अब विषम सममित की बात कर लेते हैं, विषम सममित का उदाहरण लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए लिया और ए में मैंने विकीर्ण के अवयव 0 कर दिए और ये अवयव मैंने 2 लिया तो इधर वाला -2 लिया, इस तरह का एक मैट्रिक्स मैंने लिया। चलिए ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या होता है, ए का ट्रांसपोज आएगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दीजिए तो 0, 2, 0, 2, दूसरी पंक्ति -2, 0, -2, 0। बच्चों माइनस कॉमन निकालिए इसमें से, माइनस कॉमन निकालेंगे बाहर में तो 0, 2, -2, 0। बच्चों ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाता है, यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर माइनस बाहर है, ये क्या है, ए के तुल्य, ए के बराबर है, तो इसको ए लिख सकते हैं। तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, -a के बराबर। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो किसी मैट्रिक्स का, ये ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाए तो ए को क्या कहेंगे, विषम सममित। और ए का ट्रांसपोज इस स्थिति में क्या प्राप्त हुआ, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर प्राप्त हुआ था। तो अगर ऐसा उत्पन्न हो जाए आपके किसी मैट्रिक्स के बारे में, ये व्यवहार उत्पन्न हो, तो आप कहेंगे ए क्या है, सममित मैट्रिक्स। चलिए अब गणितीय परिभाषा पे चलते हैं, एक वर्ग मैट्रिक्स की बात होगी। जैसा कि मैंने कहा, वर्ग मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स है। कब है, जब ए आई जे ए जे आई हो, ए आई जे ए जे आई हो, मतलब a12 = a21। देखिए a12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये अवयव इसको क्या बोलेंगे, a12 ए आई जे ए जे आई के बराबर हो तो a21 के बराबर होना चाहिए। 21 कौन बना, ये आपका, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि विकीर्ण से बराबर दूरी पर स्थित अवयव समान हो, तब ऐसा जो आपका मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, सममित मैट्रिक्स कहलाएगा। तब उसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ए के बराबर आ जाएगा। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं विषम सममित की ओर, ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर हो। चलिए 3x3 का एक बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये एक मैट्रिक्स लिया ए, 3x3 का मैं बना रहा हूँ। मान लीजिए विकीर्ण के अवयव 0 लेने हैं इसके अंदर, विषम सममित में हमेशा विकीर्ण के अवयव 0 होंगे, उसका भी कारण देंगे आपको क्यों होते हैं। देखिए ये 0 आपका अवयव हो गया, ये आपने 2 लिया, इसको क्या बोलेंगे, इस अवयव को बोलेंगे a12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस अवयव को क्या बोलेंगे आप, a21 इसको बोलेंगे a21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो ए आई जे बराबर -aji, यानी कि ये -2 होना चाहिए। a13 अवयव मान लो मैंने 3 लिया तो a31 यहाँ लिखा जाता है, ये अवयव -3, यानी कि माइनस कॉमन आना चाहिए, माइनस लग जाना चाहिए उस अवयव में। ये अवयव
जीरो लिया विकिरण का अवयव, ये अवयव मैंने माइनस पाँच लिया तो ये अवयव भी माइनस पाँच होना चाहिए और ये जीरो, ये विषम सम्मित अवयव है। विषम सम्मित की डेफिनेशन क्या है, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आता है। देखिए ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, यहाँ पर ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए जीरो टू थ्री, जीरो टू थ्री मैंने स्तंभ बना दिया पहली पंक्ति को, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। अब मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाला तो क्या आ गया आपका जीरो टू थ्री और यहाँ पर माइनस टू, जीरो फाइव और यहाँ पर क्या आ गया माइनस थ्री फाइव और जीरो। आप देख रहे हैं माइनस बाहर है, ये क्या आ गया ए के बराबर आ गया तो माइनस ए आ गया। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर आई, माइनस ए के, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए के बराबर आ जाए तो कैसा अवयव होता है आपका वर्गायु, विषम सम्मित अवयव कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बनाने का तरीका आपने देखा कि जो विकिरण के अवयव होते हैं विषम सम्मित अवयव में क्या होते हैं, जीरो होते हैं। चलिए कुछ उदाहरणों पे बात करते हैं। देखिए ये उदाहरण देखते हैं, ए बी सी सम्मित अवयव का उदाहरण, सम्मित मैट्रिक्स का उदाहरण ले रहे हैं, वर्ग मैट्रिक्स है थ्री बाई थ्री का है तो सबसे पहले तो वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए, ये देखा जाता है। विकिरण कुछ भी हो, ए बी सी कोई भी हो, ये ए वन टू ए टू वन के बराबर हो जाना चाहिए, ए वन थ्री ए थ्री वन के बराबर हो जाना चाहिए, ये आपका कौन सा आ गया दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ए टू थ्री ए थ्री टू के बराबर हो जाना चाहिए। ये अवयव विकिरण से समान दूरी के अवयव हैं, आप देखें तो विकिरण से, ये विकिरण हो गई, विकिरण से दोनों तरफ समान दूरी के अवयव क्या हों, बराबर हों, विकिरण कुछ भी हो, ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सम्मित। इसके लिए जब आप निकालेंगे तो इसके लिए ये प्राप्त हो जाएगा क्या, ए का ट्रांसपोज बराबर ए प्राप्त हो जाएगा, जो कि डेफिनेशन है, या आप बोल सकते हैं ए डैश इक्वल टू ए, ए ट्रांसपोज ए डैश का मतलब एक ही होता है। इस पे बात करते हैं, विकिरण कुछ भी हो, विकिरण से बराबर दूरी के अवयव समान होने चाहिए, ये दो है तो ये दो है, इसको अवयव क्या बोला जाएगा, इसकी स्थिति के हिसाब से पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ए वन टू तो ये क्या हो गया ए टू वन, ए आई जे बराबर ए जे आई होना चाहिए, यहां से ये स्थिति स्पष्ट है। यहां पर देखिएगा ये वन जीरो जीरो वन कौन सा आई हो गया आपका, कितने कोटि का, टू बाई टू का, ये बोला जाएगा आई टू बोलते हैं इसको, ये भी क्या है सममित मैट्रिक्स है। देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में कन्वर्ट कीजिए, दूसरी पंक्ति को दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू दिखाई देने में बिल्कुल नहीं बदलती है, उसकी स्थिति वही बनी रहती है अवयव की, तो इसलिए ये भी क्या हो गया आपका सममित मैट्रिक्स। एक मैं शून्य मैट्रिक्स की बात करूं, वर्ग शून्य मैट्रिक्स, यानी कि एक मैंने शून्य ओ टू लिया, यानी कि जीरो 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 जीरो, बच्चों ध्यान दीजिएगा ये टू बाई टू का मैट्रिक्स है और क्या है शून्य मैट्रिक्स है, ये सदैव क्या होता है सममित भी होता है विषम सममित भी होता है, दोनों की कंडीशंस को ये पूरा कर देता है। आगे बात करते हैं विषम सम्मित मैट्रिक्स के कुछ उदाहरण ले रहा हूँ। देखिए विकिरण के अवयव आपके सामने हैं, क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, जैसे अभी बात हुई थी। दूसरी बात, ये समान दूरी के अवयव में ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ए जे आई। तो देखिए इस इन दोनों अवयव में अगर ये एच है तो ये माइनस एच, ये माइनस एच होता तो ये एच हो जाना चाहिए था, ये जी है तो नीचे में माइनस जी मिलना चाहिए, ये एफ है तो माइनस लग जाना चाहिए, इसमें माइनस एफ हो जाना चाहिए, कैसा मैट्रिक्स हो गया विषम सम्मित। कंडीशन देखेंगे तो आप प्राप्त कर पाएंगे, इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने से एक यहाँ पर आपको ए मैट्रिक्स नजर आएगा, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, विषम सम्मित की कंडीशन को फुलफिल करेगा। यहाँ पर देखिए विकिरण के अवयव जीरो हैं, अगर ये वन है तो ये माइनस वन, कंडीशन फुलफिल हो गई, इसके लिए भी ये चीज़ पूरी होगी, इसलिए विषम सम्मित मैट्रिक्स कहलाएगा। ये देखिए शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स में देखिएगा आप, ये शून्य मैट्रिक्स दोनों की कंडीशन को फुलफिल करता है, इसको भी करता है और सम्मित को भी करता है, तो आपका जो वर्ग शून्य अवयव है वो सम्मित भी होता है विषम सम्मित भी होता है, नोट करने वाली बात है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है इस तरह से। चलिए आगे कुछ इसके गुणधर्मों पर बात करते हैं बच्चों। तो गुणधर्मों पे बात करें तो प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स तथा वर्ग शून्य मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स होता है, जो अभी बात हुई थी अपनी। एक तो आपका कौन सा इकाई मैट्रिक्स, जिसको आप डिनोट करते हैं आई टू आई थ्री से, वो वर्ग मैट्रिक्स भी होता है और इसलिए वो क्या कहलाता है, वो सममित मैट्रिक्स सदैव होता है,
उसके साथ शून्य मैट्रिक्स भी सम्मित होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ग शून्य मैट्रिक्स, वर्ग शून्य मैट्रिक्स क्या होता है, विषम सम्मित भी होता है, जो पीछे आपको बात बताई गई है वही टिप्पणी में लिखी गई है। दूसरी टिप्पणी क्या कहती है, प्रत्येक विषम सम्मित मैट्रिक्स के विकीर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, जैसा कि आपने देखा। क्यों होते हैं, क्योंकि ए आई जे बराबर क्या होता है, ए आई जे, आई और जे की वैल्यू बराबर होती है विकीर्ण में, तो ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई हो जाता है, यानी कि ए वन वन बराबर माइनस ए वन वन, ये तभी हो सकता है जब ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर ये टू होगा तो फिर ये माइनस टू होगा, जो बराबर की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे। अगर इन दोनों को बराबर होना है तो ए जीरो होगा और ये जीरो होगा, तभी तो जीरो इक्वल टू माइनस जीरो लिखा जा सकता है, बस एक ही कंडीशन बनती है। इसलिए विकीर्ण का अवयव क्या हो जाना चाहिए बच्चों, शून्य हो जाना चाहिए। और विषम सम्मित मैट्रिक्स में आपने देखा था कि विकीर्ण का अवयव सदैव क्या होता है, शून्य होता है। गुणधर्मों में और देखिए आगे बढ़ते हैं, यदि ए कोई एक वर्ग मैट्रिक्स है, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स ए ले लें, तो आप उस वर्ग मैट्रिक्स में जब उसके परिवर्त्य मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो जो नया मैट्रिक्स बनता है वो आपका सम्मित मैट्रिक्स होता है। और आप ए ट्रांसपोज को, यानी कि ए के परिवर्त्य को जब ए में से घटाते हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होता है विषम सम्मित होता है। ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलता है वो आपका सम्मित होता है। ए ट्रांसपोज इंटू ए जो होता है वो भी आपका क्या होता है, सम्मित मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, एक मैट्रिक्स है ए और वर्ग मैट्रिक्स है, यानी कि 1 2 3 4, और तो फिर ए का ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, हो जाएगा 1 2 3 4। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या निकलेगा बच्चों, आप देखिए इन दोनों को जोड़ दें तो 1 + 1 2, 2 + 3 कितना हो गया 5, 2 + 3 कितना हो गया 5, 4 + 4 कितना हो गया 8। देखिए विकीर्ण कुछ भी हो, दोनों अवयव, ये वाले दोनों अवयव बराबर हैं, तो किसकी कंडीशन प्राप्त होगी, सम्मित की, ये सम्मित है। तो किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को जोड़ दिया जाए तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिलता है वो क्या होता है, आपका सम्मित होता है। और मैं यही बात करना चाहूँ कि मैं ए में से घटा दूँ ए ट्रांसपोज को बच्चों, तो मैं घटा के दिखाता हूँ। ए में से ए ट्रांसपोज को घटाते हैं, 1 - 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 0, 2 - 3 - 1, 3 - 2 कितना 1, और ये 4 - 4 = 0। देखिए विकीर्ण के अवयव 0 हो गए, समान दूरी के अवयवों का चिन्ह परिवर्तित है, ये माइनस एक है तो ये एक है, कौन सा बना, विषम सम्मित। तो बच्चे दोनों बातें देख पा रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को जोड़ दिया जाए तो प्रतिफल में जो मैट्रिक्स मिलता है वो सम्मित होता है, और ए में उसके ट्रांसपोज को घटा दिया जाए, परिवर्त्य को घटा दिया जाए, तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनता है वो आपका विषम सम्मित मैट्रिक्स होता है। और ए इंटू ए ट्रांसपोज कैसा बनेगा आप देख पाएंगे, अगर गुणा करके देखिएगा, ए को ए ट्रांसपोज से गुणा कीजिएगा, जो नया मैट्रिक्स मिलेगा आपको कैसा दिखाई देगा, सम्मित मैट्रिक्स होगा। ए ट्रांसपोज इंटू ए भी क्या होगा, सम्मित। तो यहाँ से यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू ए सम्मित मैट्रिक्स होते हैं, परंतु ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सम्मित मैट्रिक्स होता है बच्चों। यदि ए कोई एक सम्मित मैट्रिक्स है तो ए की पावर एन भी सम्मित मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल बच्चों। यदि ए एक सम्मित मैट्रिक्स है, यानी ए कोई मैट्रिक्स है जिस तरह का सम्मित है, तो मैंने कहा 1 ये 2 ये 3 ये 3, ये सम्मित मैट्रिक्स हो गया। क्यों, विकीर्ण के अलावा ये समान दूरी के अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आप जानते हैं ए आई जे बराबर क्या होगा, ए जे आई, तो सम्मित मैट्रिक्स है। तो ए एक सम्मित मैट्रिक्स है तो ए को ए से गुणा करो तो ए स्क्वायर मिलेगा, वो भी क्या होगा, सम्मित। फिर ए से गुणा कर दो तो ए क्यूब मिलेगा, वो भी क्या हो जाएगा, सम्मित। तो ए की पावर एन भी क्या होगा, सम्मित मैट्रिक्स होगा, सभी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, ए स्क्वायर ए क्यूब ये सब सम्मित मैट्रिक्स हो जाएंगे अगर ए सम्मित है तो। दूसरा, अगर एक ए सम्मित मैट्रिक्स है और उसको के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, के यानी कोई अदिश राशि, जैसे कि 2 3 4, आप मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो प्रत्येक अवयव गुणा हो जाएगा, आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये सम्मित ही रहेगा। तो बस यहाँ कहना चाहते हैं कि के ए भी क्या होता है, एक सम्मित मैट्रिक्स होता है। आगे तीसरा, बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या होगा, सम्मित होगा। इसको सिद्ध करना चाहें तो अपन सिद्ध कर देते हैं, देखो बच्चों किस तरह से सिद्ध करेंगे। ए सम्मित हो यदि
ए सममित हो तो क्या होना चाहिए, ए ट्रांसपोज बराबर ए होना चाहिए, परिभाषा से आता है। आपको सिद्ध करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी, बी सममित होगा तो इसका होल ट्रांसपोज निकाल देते हैं। देखिए बच्चों, बिकॉज हम जानते हैं कि ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है, यहाँ से, यानी कि ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज बी पहले आ जाएगा, ए बाद में चला जाएगा, ये आपका गुणधर्म है परिवर्त्य का। तो यहाँ से जब ट्रांसपोज जाएगा तो लास्ट वाला बी पहले आ जाएगा, तो इधर से चलता है पहले इसका ट्रांसपोज इंटू इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज जैसे ही अंदर जाएगा इस बी का ट्रांसपोज यानी बी ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इस थ्योरी से ये हुआ। इक्वल टू बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी ट्रांसपोज ही लिख देते हैं, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है क्योंकि ए क्या है, सममित है, सममित है तो मैं इसको ए लिख सकता हूँ, और बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बी के बराबर ही हो जाता है। तो आपने देखा बच्चों, बी ट्रांसपोज ए बी का जब होल ट्रांसपोज निकाला तो बी ट्रांसपोज इंटू ए बी आपके सामने आ जाता है, मतलब वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो हो गया ना आपका बी ट्रांसपोज ए बी क्या, सममित, सममित मैट्रिक्स है। तो आपने सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया, कि जब ए आपका सममित होगा तो बी ट्रांसपोज ऑफ ए बी भी क्या, इनटू ए बी भी क्या होगा, सममित होगा। अब बात करते हैं ए अगर विषम सममित मैट्रिक्स हो तो क्या क्या गुणधर्म सामने आते हैं। यदि ए कोई विषम सममित मैट्रिक्स हो तो ए स्क्वायर, ए का पावर फोर यानी कि इवन पावर, यानी कि पावर सम से जो बनेंगे, यानी कि ए सम हो तो ए स्क्वायर, ए पावर फोर, ए पावर सिक्स, सम पावर एक ही लगा दी जाए वो तो होंगे आपके सममित, लेकिन ओड पावर यानी कि ए क्यूब, ए पावर फाइव, ये जो बनेंगे आपके, ये बनेंगे आपके विषम सममित। यहाँ पर यही बताया गया है कि ए की पावर 2n, देखिए ए की पावर 2n सममित मैट्रिक्स होता है, और ए स्क्वायर, ए पावर 4 ये सब सममित मैट्रिक्स हो जाएंगे, परंतु विषम पावर, ए की पावर 2n प्लस 1 का मतलब विषम, n की जगह 1 रखो तो पावर कितनी बनी, 3, एन की जगह 2 रखो तो पावर कितनी बनी, 5, तो ए क्यूब, ए की पावर 5, ये सब विषम सममित मैट्रिक्स होते हैं बच्चों। तो बच्चों आपने सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के गुणधर्म पढ़े, इतने गुणधर्म आपको आज नोट डाउन करके इनको याद कर लेना है, आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इन बातों का उसके अंदर यूज़ लेंगे, तो आपको ये अच्छे से आ जाने चाहिए मुझे लगता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।